है मैं पायल बन गोरे गोरे चुराऊं। तो आज भी मैं आप सभी के लिए हिंदी ऑल्ड सॉन्ग के ऊपर स्टेटस वीडियो लेके आ गया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज का प्रीव्यू आप सबने देख लिया है, प्रीव्यू देखकर आप सबको पता चल ही गया है आज किस तरीके का जो है मैंने वीडियो आप सबके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों अगर आप सब भी इस तरीके का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो एकदम लास्ट तक देख लो, मैं एकदम आसान तरीके से आप सबको बताऊंगा कि इस तरीके का वीडियो जो है आप कैसे बनाओगे। मैं आपसे आज मैं 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा फ्रेंड्स। आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको इस तरीके का स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम लोग फटाफट बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको क्या करना होगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आएगा उसको भी आप ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। उसके बाद आप सबको लार्ज मोशन ऐप को जो है इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास पहले से है तो आप उसे ओपन कर दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। उसका जो है न्यू वर्जन मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप भी इसे ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको बीट मार्क एंड इफेक्ट, आपको ये दो प्रोजेक्ट का लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इन दोनों को इंपोर्ट कर लीजिएगा। और इंपोर्ट करना अगर नहीं आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एक वीडियो का लिंक मिलेगा, वो वीडियो जाकर आप एक बार देख लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इन दोनों को आप इंपोर्ट कैसे करोगे। यहाँ पे बीट मार्क को आप सबसे फर्स्ट पे ओपन करोगे, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस इफेक्ट वगैरह मैंने पहले से ऐड करके रखा है। यहाँ पे जो मेरे लोगो दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करोगे, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो। ओके, उसके बाद आप सबको फर्स्ट तरफ आके प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके आपको कोई सा भी फोटो ले लेना है। अगर आप सबको ये फोटो चाहिए तो मैं ये सब फोटो आप सबको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। तो आप ये आपको फोटो ले लेना है, उसके बाद आपको ऊपर में थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना, अपना फोटो सेट हो जाएगा। फिर अगर फिर भी आपका सेट नहीं हुआ तो आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना होगा, 3 नंबर पे क्लिक करके इसे इस प्रकार से जूम करके इसे इस प्रकार से आप सेट कर लीजिएगा। आप अपने हिसाब से इसे थोड़ा बहुत सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको पूरे लास्ट तक चल जाना है, फोटो पे क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो का लेयर लास्ट तक एकदम कर देना है। फोटो पे आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा, सॉन्ग के ऊपर जस्ट इसे रख देना है। अभी आपको चुटकियों में आप सबको बताऊंगा इस तरीके के स्टेटस आप कैसे बनाओगे। एक बार आप बैक चले जाओगे, इफेक्ट का प्रोजेक्ट पे आपको आ जाना है, फोटो पे आपको क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करके विग्नेट का इफेक्ट आपको कॉपी कर लेना है। फिर आप बैक चले जाइएगा, बीट मार्क में रिटर्न आ जाना है, फिर जो आपका फोटो रहेगा फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना, आपका विग्नेट का भी इफेक्ट लग जाएगा। टेम्पलेट वगैरह मैंने पहले सेट करके रखा है, लोगो वगैरह भी मैंने पहले सेट करके रखा है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस तरीके से वीडियो आप सबके लिए रोज लाता रहता हूँ। तो अभी आपको इसे सेव करने का प्रोसेस बता देता हूँ। आप ऊपर में इस एरो पे क्लिक करोगे, वीडियो को राइट साइड में इस एरो पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे एडजस्ट वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हो, नहीं तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।